दोनों के अफेयर के बारे में बात कर रही है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रोहन, अब तुम ही इसे समझाओ। पूरन पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी लड़की है, आई थिंक खुद का ख्याल रख सकती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को कोल्ड ड्रिंक के लिए लड़ते हुए देखा यार। इसके अलावा अपना लोग रोते हैं कि जी मेरी बेटी की विदाई हो रही है तो चलो रोना आ जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो अलग ही सेटअप है। मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को कोल्ड ड्रिंक के लिए लड़ते हुए देखा यार। इसके अलावा अपना लोग रोते हैं कि जी मेरी बेटी की विदाई हो रही है तो चलो रोना आ जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो अलग ही सेटअप है। अबे कुत्ते हो या भूत हो या कुत्तों की भी भूत हो, डरना तो फिर भी है, भागना तो फिर भी है ना। अच्छा, डरने से याद आया, तुम्हारे वक्त दूसरी शादी कैसी चल रही है? ओए उसका मजाक नहीं है। पहले मेरा घर ना FIA के दफ्तर की तरह हुआ करता था। अच्छा, तो लगता है आए दिन नेप के छापे पड़ने। इसका मतलब माहौल ठीक चल रहा है। माहौल ठीक चल रहा है और माहौल बहुत खराब है यार। क्यों? मेरी पहली अम्मी हर वक्त बीमार पड़ी रहती हैं, मेरी दूसरी अम्मी हर वक्त अपनी अम्मी के घर रहती हैं, और मेरी तीसरी अम्मी अब्बा से लड़ती रहती हैं। और तुम्हारी अम्मा अलग है क्या? तीनों साथ में घर में रहते हैं। दोनों के अफेयर के बारे में बात कर रही है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रोहन, अब तुम ही इसे समझाओ। पूरन पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी लड़की है, आई थिंक खुद का ख्याल रख सकती है।